जो है ना बस सबसे बरसती है, मतलब शी इज हर वक्त, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती सरबजीत से वो चैन से बैठने वाले नहीं है। फिर कुछ भी मेहर करे या कुछ भी अमृता करे या कुछ भी सारे बच्चे करे, उसका पारा चढ़ा रहता है। जब तक वो सरबजीत से उसका ब्याह नहीं करेगी वो ख़त्म, सारे घर वाले, सारे घर वालों की मौत। जी हाँ, इसीलिए वो ए सरबजीत को बताना नहीं चाहती और बी वो हर वक्त डरती रहती है और उसको ये डर रहता है कि सरबजीत घर आ जाएगा तो पता नहीं क्या फिर उसको राज खुल जाएगा। बस इसी चक्कर में कुलवंत कौर का पारा चढ़ा रहता है। रूम में तो बरस पड़ी थी जी, किचन में जो है मेहर वो इमोशनल हो रहा था। किचन में बस ये वो आपने जैसे देखा होगा कि कैसे इसने मानव को मारा है, तो वो सडनली नाइफ देख के उसको वो फ्लैशबैक याद रहता है कि कैसे माँ ने छुरी से, बिकॉज उसके उसने अपने आँखों से देखा कि माँ ने उसे मारा था। सो आई थिंक वो उससे दहशत में आके वो चीखने लगती है। सरबजीत जी का भी फ़ोन आता है जी, सरबजीत का फ़ोन आता है क्योंकि वो मेहर से मिलना चाहता है। अब ये जो कुलवंत कौर है ये चाहती है कि घर में सब ठीक होए फिर सरबजीत आए, क्योंकि अगर वो मेहर को इस हालत में देखेगा तो वो भी यू नो शॉक हो जाएगा कि वैसे शादी करने वाली है या नहीं, वो भी कंफ्यूज्ड है। बट माँ नहीं चाहती है, माँ चाहती है कि जब सरबजीत आए शी हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट कि यस शी विल मैरी सरबजीत। कुलवंत कौर सरपंच कैसे नहीं जीत होगी उसकी। थैंक यू मैम। तो फाइनली आज मेहर की चुप्पी टूटी है, वो किस तरह का कहर बन रहा है लोगों पर, अब पहले वो जाना है। बस आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि मेहर की लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो गया कि वो ऑफकोर्स जिसे कहते हैं ना लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, एक पॉज बटन दब जाता है, सब कुछ आसपास थम जाता है, तो ऐसा ही हुआ। पर अब मेहर को जो रियलाइजेशन है वो इस बात की है कि उसके पास एक बच्चा है जिसको उसे संभालना है, मानव और उसके प्यार की आखिरी निशानी है, एंड बाकी सब एक तरफ और यू नो मेहर के लिए उसका बच्चा एक तरफ है। तो मौका मिलते ही मेहर निकली अपने घर से बाहर, भागी है और सीधा पुलिस स्टेशन गई है ताकि वो अपनी मम्मी जी और अपने तीन भाइयों के अगेंस्ट FIR लिखवा सके, FIR दर्ज करवा सके। वो कार्रवाई नहीं होती है कि जगह भी जो उसे वहाँ देख लेते हैं और उसे पकड़ के घर ले आते हैं। पर हाँ, अब चुप्पी नहीं हो रहने वाली मेहर के होठों पे, अब सिर्फ गुस्सा निकलेगा, एंगर निकलेगा, स्ट्रेंथ दिखेगी उसकी और वो किस हद तक जा सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, वो आपको देखने को। एक तरफ माँ भी जो है वो दूसरी माँ के बच्चे की जान के पीछे पड़ गई जी एक तरह से, तो एक माँ की क्या फीलिंग्स है वो जो दूसरी माँ ऐसे कर रही है। आई थिंक माँ शब्द से तो मेरा भरोसा ही उठ चुका है। यू नो यूजुअली जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान तक दे देती हैं, और यहाँ एक मेरी माँ है जिन्होंने यू नो मेरी सारी खुशियाँ छीन ली हैं। तो आई थिंक अपनी माँ से तो मेरा भरोसा उठ ही चुका है। हाँ, रही बात, बहुत दुख होता है आई थिंक, क्योंकि अब मैं खुद माँ बनने वाली हूँ और यू नो मुझे खुद इस चीज़ का एहसास है। तो ऑल आई कैन से इज़ कि आई फील वेरी हेल्पलेस कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया जो भी किया। लास्ट फाइनली सारे एक तरफ है और मेहर एक तरफ है जी, क्या मेहर को अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, क्या घुटने टेक देगी मेहर। घुटने टेकने वालों में से बिल्कुल नहीं है मेहर, और कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से भी बिल्कुल नहीं है। वो जो करने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए करने वाली है, और वो उसके लिए लाइफ में रास्ता होगा एक कॉम्प्रोमाइज़। थैंक यू। अबॉर्शन का भाई, अब मेहर को आपने बंद भी कर दिया रूम में, क्यों मेहर को मेहर को इसीलिए बंद किया, बिकॉज उसने रिटेलिएट किया था अपनी माँ से, और बोलने के बावजूद भी जब उसे पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड बिन माई बिन ब्याई माँ बनने वाली है, तो के उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो नेचर है, एक तो वो सरपंच है, बी कंजर्वेटिव फैमिली है, और उसके बावजूद ये लड़की बाहर जाके, बट एनी वे उसने बंद इसलिए किया है ताकि शी कैन के कैन अबोर्ट हर चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं मुसीबत भी आई है, सारे लोग फैमिली घर पे आएंगे और वो मेहर से मिलना चाहते हैं, तो अभी कैसे के टैकल करेगी ये सब सिचुएशन। बस वही है, वही सीन कर रहे हैं हम, जहाँ के आके बोलती है कि मेहर घर पे नहीं है, और आपने देखा जैसे कि मेहर
बाहर निकली, पूरी कॉलेज गई, तो के डजंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, बट शी ट्राइज टू एंड शी डज इट बिकॉज है बड़ी चालाक, तो वो चालाकी आपने देखी है अभी, बट somehow वो डॉच करती है और उनको फिर कहती है मैं फ़ोन करूँगी और बताऊँगी, फिर उसके बाद भाग चुकी है क्योंकि उसको ये मौका मिला है कि माँ यहाँ बिजी है तो मैं भागूँ। मेहर पकड़ी जाएगी कि नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता। थैंक यू। आई थिंक एंड आई होप कि किसी को भी लाइफ में ऐसा इमोशन कभी एक्सपीरियंस ना करना पड़े। आई थिंक आज आपकी मेरी लाइफ में एनी काइंड ऑफ लॉस, चाहे वो आपके पेट का हो, आपके माँ बाप का हो, किसी भी तरह का लॉस हो तो झटका ज़रूर लगता है। पर हाँ, जब आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हैं जिनके साथ आपने एक लाइफ आगे इमेजिन करी है, एंड और कोई नहीं पर यू नो आपकी खुद की फैमिली में उसका हाथ हो, तो कहते हैं ना कि आपकी फैमिली आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो मेरे लिए इस टाइम पे ये लग रहा है कि मेरी खुशी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी, आपकी ज़िद आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। सो ऑफकोर्स झटका लगा है और बहुत तगड़ा लगा। आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल और मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि टचवुड हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि सबसे पहले तो मैं राइटर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी खूबसूरती से लिखी हो यू नो तो वो गलत जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, या उस स्क्रिप्ट को उस कहानी को कोई प्यार ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आई थिंक कूडोज टू फर्स्टली द राइटर्स, सेकेंडली आई फील कि पूरी टीम यू नो मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, आई एम सो ब्लेस्ड कि सब यहाँ पे दिल से काम कर रहे हैं, मतलब कुछ ऊपरी काम नहीं चल रहे, सब लोग अपने कैरेक्टर्स को जी रहे हैं, वो जी रहे हैं इसलिए इतना रियल लग रहा है, और इसीलिए आई फील कि आप लोगों के साथ इतना कनेक्ट हो पा रहा है और इतनी अच्छी टीआरपी टच उड़ा रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट गाइस।